गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और देखिए मैं बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि बच्चों को नाश्ता देना था और जल्दी जल्दी मैं नाश्ता सबको दे देती हूँ, क्योंकि आज बहुत लेट थोड़ा हो रहा था। तो जल्दी जल्दी मैं सैंडविच बनाई हूँ। तो सैंडविच की रेसिपी मैं आपसे शेयर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सादा सैंडविच बनाई थी। हमारे यहाँ आलू में ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं होता। मैं हरी मिर्च काट करके और हरा धनिया और थोड़ा सा भुना हुआ धनिया और जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाल दी थी बस, और इसके बाद मैं इसमें कुछ नहीं डाली हूँ। और उसके बाद मैं देखिए जल्दी से बना ले रही हूँ ये सैंडविच, मैं जल्दी से सेक ले रही हूँ और बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ। और उसके बाद तब फिर मैं आगे आपसे क्या करूँगी मिलूँगी बताऊँगी, क्योंकि हर चीज़ कैमरा लेकर के नहीं हो पाता है। जो 10 मिनट का काम है वो आधे घंटे में ख़त्म होता है। अगर मैं कैमरा लगा करके उसको शूट करके बनाना चाहती हूँ तो बहुत जल्दी नहीं बन पाता है। तो इसलिए जो है थोड़ा आज लेट भी हो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा कैमरा लगा दी हूँ कि थोड़ा मेरा एक ब्लॉग भी बन जाएगा और मेरा काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो मैं ये सैंडविच बना दी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। आप एक बार सादा इस तरह बना कर खाइए मसाला बिना डाले हुए, तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और देखिए ये इस तरह से बन के कुछ तैयार हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा वाला ब्रेड मैंने मंगवाई थी, क्योंकि हमारे छोटा वाला ब्रेड में ज़्यादा अच्छा बन जाता है। जितना अच्छा हो अपना खाइए आप। उसके बाद फिर जो है ये चूरा है मैं भून ली थी, और ये सैंडविच था, और ये ब्लैक टी थी, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ दूध नहीं अभी आया था। दूध लेकर थोड़ा 9:30 बजे करीब में वो आता है सुबह, तो रात में दूध मैं बच्चों को दे देती हूँ, तो इसीलिए बचता नहीं है ज़्यादा दूध। तो ये मैं चलिए नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। नमस्कार, मैं सीमा त्रिपाठी हूँ, मेरे चैनल इजी लाइफ बी सीमा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, अभी सुबह के बज रहे हैं 11:05 हो रहे हैं, और मैं सुबह का जो नाश्ता बनाई थी वो मैं सैंडविच बनाई थी। नाश्ते में हम लोग सैंडविच खाए थे, तो मैं उसका रेसिपी आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं नॉर्मल सैंडविच बनाई थी, बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह मैं नहीं डाली थी, तो सादा सैंडविच मैं बनाई थी आलू का। तो वो मैं दिखा दूँगी आपको कि थोड़ा सा मैं बता दूँगी कि क्या क्या मैं डाली थी, लेकिन मैंने उसको उसकी रेसिपी नहीं मैं आज शेयर करूँगी। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत काम वगैरह जो की हूँ तो वो सब की हूँ। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा मुझे कुछ सामान लाना था, तो अब मैं निकल रही हूँ। उसके बाद मैं आऊँगी तो दोपहर का खाना बनाऊँगी। देखिए मैं शेयर कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, और क्या क्या शेयर करती हूँ मैं, ये भी मैं बता नहीं पाऊँगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, जो जो मैं करूँगी आप लोगों से अगर पॉसिबल होगा तो शेयर ज़रूर करूँगी। और अभी जो है सारा जो है सुबह का काम हमारा हो गया था, तो फिर मैं सोची लाइए अपना वीडियो यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, और फिर देखती हूँ क्या क्या करती हूँ क्या क्या नहीं करती हूँ। तो चलिए फिर, कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये समय एक दूसरे का ख्याल रखने का ही है। इतना महामारी चल रही है हर जगह, और बंगाल में भी एक आने वाला है सुनामी बता रहे हैं सब लोग, तो आप लोग उससे भी सुरक्षित रहिएगा और बच के रहिएगा। तो इसी दुआ के साथ चलिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद फिर मिलूँगी। तो फ्रेंड, ये दोपहर का खाना है, तो देखिए ये करेले की सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ। तो इसको रात में काट करके उसमें नमक और हल्दी डाल के मैं रख दी थी फ्रिज में, और रात भर ये इसी में था। तो ये देखिए प्याज है, तो जितना करेला रहता है जय पीस उतना ही हम प्याज डालते हैं। जैसे 10 करेला है तो 10 प्याज हम डालते हैं, आधा करेला आधा प्याज। इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो एक बार इस तरह आप सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा अगर आप नहीं बनाते हैं तो। ये बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा थोड़ा तेल पड़ता है, तो इसमें मैं तेल डाल दे रही हूँ और मेथी डाल दे रही हूँ। साथ में ये प्याज मैं डाल के हल्का सा चलाऊँगी, ज़्यादा नहीं मैं इसको भूनूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर जब ये थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल 2 मिनट के लिए भी नहीं, उससे भी कम 1 ही मिनट के लिए मैं इसको चलाऊँगी। उसके बाद ये देखिए करेला मैं इसमें डाल करके और मीडियम फ्लेम में इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी और ढक ढक कर पकाऊँगी। तो देखिए मेरा ये 10 मिनट में ये देखिए करेला बन के तैयार हो गया। इतना ज़्यादा टेस्टी ये लग रहा था फ्रेंड खाने में कि बिल्कुल भी। अगर बच्चे आपके करेला नहीं खाते हैं तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका आपके बच्चे करेला खाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए साथ में मैं ये आलू की सब्ज़ी भी बना रही हूँ, और ये दाल है साथ में, ये देखिए रोटी मैं सेकूंगी और चावल बनाऊंगी। अब मैं दोपहर का समय था तो खाना मेरा साथ में बन रहा था, साथ में मैं आंगन में पानी डाल करके थोड़ा खींच देती हूँ ताकि आंगन साफ़ हो जाए, क्योंकि ऊपर से जो है जाल पर से धूल उल नीचे गिरती रहती है बराबर, तो खिसखिसाता है पैर में, तो इसीलिए मैं इसको पानी डाल के अच्छे से धुल लूँगी।
बाकी पूरे घर में तो पोछा लगता है क्योंकि पूरे घर में हम लोग रोज़ नहीं धुलते हैं, तो मैं इसको पानी डाल करके खींच दे रही हूँ, साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि सब साफ़ सफाई से ही घर में लक्ष्मी का वास होता है, तो इसलिए घर को अब हमेशा साफ़ रखना चाहिए। तो चलिए मैं इसको खींच ली हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा बाज़ार जाऊँगी। तो देखिए मैं अब बाहर जा रही हूँ, तो हमारे यहाँ देखिए ये सैनिटाइज़र का भंडार लगा है, ये हम लोग सामान में इसको मैं यूज़ करती हूँ छींटने के लिए, और ये हाथों में छोटा वाला जो है इसको मैं हाथ में छींटने के लिए यूज़ करती हूँ, मतलब जो बाहर से आते हैं तो उनके हाथ में हम लोग डालते हैं, और ये जो लिक्विड वाला सैनिटाइज़र इसको हम लोग साथ में लेकर जाते हैं जो बाहर जाता है। साथ में मैं यहीं पर डिटॉल रख दी हूँ ताकि कभी किसी के चोट वोट लग जाए तो सामने रखा रहेगा, और ये मेरा रूम फ्रेशनर है, मैं थोड़ी थोड़ी देर पर जब पोछा वगैरह लगा लेती हूँ तो इसको घर में छींट देती हूँ। तो ये मास्क रखे हुए हैं दोनों लोगों के लिए, जो लोग बाहर ज़्यादा मेरे यहाँ जाते हैं ये जाते हैं, और बच्चे वहाँ जाता है, तो इसलिए ये मेरा सब यहीं दरवाजे के सामने हम लोग खड़ा कर। तो चलिए मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं अपना सैनिटाइज़र ले लेती हूँ और चलती हूँ बाहर। उसके बाद देखिए मैं अब घर आ गई थी, तो रात का समय है ये, तो ये आज मैं कुछ आपको बनाते नहीं दिखाई हूँ, तो ये मेरा डिनर है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बजे हैं रात के 8:30 और मैं जा रही रोटी सेकने। मैं आज कोई खास नहीं बनाई थी, मैं शिमला मिर्च की और प्याज की, ये टमाटर की जो सूखी सब्जी बनती है वही मैं बनाई हूँ, और साथ में रोटी है, तो आज कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, गर्मी बहुत है, तो मैं जा रही हूँ अब रोटी सेकने के लिए। तो ये देखिए रोटी मैं आधा सेक चुकी थी, ये देखिए बच्चे सब खा रहे हैं, और मैं रोटी सेक लूँगी, उसके बाद फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद फिर मिलती हूँ। तो रात के 8:30 बज गए हैं, तो मैं बच्चों को बैठा दी थी खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ गरम गरम ही रोटी सब लोग खाते हैं, तो जल्दी जल्दी मैं रोटी सेक लेती हूँ और उसके बाद मैं बच्चों को खाना दे करके उसके बाद किचन पहुँच लूँगी, और साथ में मैं फिर अपना मैं भी जो है नहा लूँगी और जा करके फिर मैं भी खाना खा लूँगी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक रही थी, और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरी रोटी बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रोटी बनाना हुआ दिखा रही हूँ। वो कहती हैं आप बहुत अच्छा रोटी बनाती हैं। तो देखिए ये मैं रोटी जल्दी जल्दी सेक ले रही हूँ, उसके बाद अब रात को मैं सीधे मिलूँगी। तो देखिए अभी रात के बज रहे हैं 10 और मैं जा रही हूँ 10 की बच्चों को दूध दे रही हूँ लास्ट, ये मेरा काम है, उसके बाद मैं किचन बंद कर दूँगी। तो मैं हल्दी डाल करके मेरी बिटिया को दूध देती हूँ, और मेरा बेटा जो है वो हल्दी डाल के नहीं पीता है, तो दोनों लोगों को अलग अलग टेस्ट, उनको मैं कॉम्प्लान डाल के देती थी, लेकिन अभी समय कॉम्प्लान ख़त्म है इसलिए मैं नहीं डाली, सादा दूध दूंगी। तो मैं इन लोगों को दूध दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिल देती, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया इसलिए मैं वीडियो को करूँगी एंड, इसलिए अब मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड मैं बच्चों को दूध दे दी हूँ, और अब रात के बज रहे हैं 9:45 और हम लोग जा रहे हैं लेटने, इसलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पर अब ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो रहा है, तो मैं इसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपसे मिलूँगी। तब तक गुड नाइट, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा, घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, इसी दुआ के साथ गुड नाइट, दुआओं में मुझे याद ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।